Start the recording and share my screen. So okay, so let me on this one. Okay, so कल तक हमने जो बात किया था दैट इज ऑल अबाउट कि हमारा एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट कैसे होता है और कैसे काम करता है. हम जस्ट अभी फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें चलती कैसी हैं, ठीक है, और इसमें होता क्या है, राइट. सो यहां तक तो हमें समझ आ गई थी कि ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट होता क्या है. नाउ वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड, ठीक है, कि जो अब हम बात कर रहे थे कि द ब्रदर्स हु डो नॉट हैव द कम्युनिकेशन एंड इफ यू हैव टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू ब्रदर्स हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन. जो मैं बात कर रहा था सिंगल लाइन एंड डुअल लाइन के बारे में बात कर रहा था. सो ले मी जस्ट डिलीट वन लाइन, या ये दोनों ही लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, टाइम फॉर टाइम बिंग, राइट. और मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन भी हम इसमें यूज कर रहे थे एंड वी आर मेकिंग द ट्रंक पोर्ट, इसके बाद भी हमारे दो विलन्स के बीच में बात नहीं हो पा रहा था. ये मेरा विलन टू था और ये वन था, लेकिन अगर विलेन वन और टू आपस में बात करना चाहें तो दे वर नॉट एबल टू टॉक, राइट. यहाँ पे विलेन वन और टू बात करना चाहे तो दे वर नॉट एबल टू टॉक, ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, राइट. सो मैं बात कर रहा था कि अगर दो विलेन को आपस में बात करनी है तो बेसिकली हमें राउटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइस है स्विच, इट इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द टू विलेन कम्युनिकेशन. इट इज नॉट कैपेबल टू अलाउ द टू विलेन कम्युनिकेशन. तो इसीलिए हमें कोई ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग राउटर बोलते हैं. राउटिंग बिटवीन द टू विलन्स ऑफ टू फिजिकल इंटरफेस इज ओनली डन बाय द राउटर, ठीक है. तो हमें अगर किसी दो विलन डीनो और फ्रेड को आपस में विल्मा एंड बैटी से बात करना है, दिस इज द विलन 10 एंड दिस इज विलन 20, तो इस बीच में हमें एक ऐसी डिवाइस यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं राउटर. सो नाउ कमिंग बैक टू अगेन द आवर साइड मॉडल लेयर, और जो हमारी टीसीपी आईपी मॉडल लेयर की जो है, गूगल पे मैं गया यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं जाकर चेक किया ओएसआई मॉडल. सो इसमें अगर मैं इमेज में जाता हूँ तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हैं. तो हमारा जो स्विच है, जो भी स्विचिंग की काम होती है, वो हमें कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर टू पे काम करता है, राइट. लेयर टू, सो लेयर टू पे आपके स्विच काम करते हैं, राइट. और वो स्विच आपके कैसे वर्क करते हैं, वो स्विच आपके विलेंस को समझते हैं. तो अगर विलेन लेवल पे कम्युनिकेशन करना है, एक विलेन से दूसरे विलेन को कम्युनिकेट करना, तो स्विच इज एनफ टू जस्ट कम्युनिकेट विद इन द विलेन, बट एक विलेन से दूसरे विलेन पे जाना है तो वो आपको नहीं समझ पाते हैं. दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू विलेंस, विलेन 10 एंड विलेन 20 की अगर बात करना है, अगर इनको हम स्विच से कनेक्ट किए हैं, दे कांट टॉक. सो इसको हमें बात करना है तो हमें एक ऐसी डिवाइस यूज करना पड़ेगा जिसको हम राउटर बोलते हैं. राउटर हमेशा आपका लेयर थ्री पे काम करता है, दिस इज अ लेयर थ्री. सो ये आपका लेयर थ्री होता है जिसपे आप पे राउटर काम करता है, और इसी को हम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, दैट इज अ नेटवर्क लेयर, जिसपे आपको बेसिकली आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है. तो कोई भी आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है दैट इज अ नेटवर्क लेयर. सो एक एक लेयर को हम सारा कुछ समझते भी जाते हैं, बाद में मैं सारा समराइज कर दूंगा कि अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द फिजिकल लेयर, तो यू शुड नो कि फिजिकल लेयर जो होता है वो बेसिकली आपका, बेसिकली मैं अगर इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फिजिकल लेयर,
तो आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन सी हियर कि जो हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करना है बिट्स स्ट्रीम है, दैट इज अ फिजिकल, जो किसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन योर केबल। सो जो केबल्स होते हैं दैट इज अ फिजिकल लेयर। डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा नेटवर्क, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा नेटवर्क, जिस मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जिसको वीलैन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो कौन सा लेयर होता है? वो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, जो लेयर टू होता है। देखो तो टू है, और इस पे कौन सा डिवाइस काम करता है? स्विच काम करता है। लेकिन अगर आपको दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, यू हैव टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट नेटवर्क। टू डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? टू डिफ नेटवर्क का मतलब होता है टू डिफरेंट सबनेट, राइट? सबनेट क्या होता है आपको पता है? आईपी सबनेट, बेसिकली इट्स आईपी सबनेट। तो आईपी सबनेट मैंने ये लिख दिया 192.168.10.0/24, एक सबनेट ये है, और ये एक सबनेट मैं और लिख दिया 10.10.10.0/24। तो ये दो अलग अलग सबनेट हो गए, राइट? अगर इन दोनों को आपस में बात कराना है तो वी जस्ट हैव टू यूज द राउटर। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे एक सबनेट लिख देता हूँ 10.10.0/24 यहाँ लिख देता हूँ, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 10.10.10.128/25, ये भी दो सबनेट हो गए, टू डिफरेंट सबनेट हो गए, क्योंकि इनका जो सबनेट मास्क है ये अलग अलग है, दे आर नॉट इन सेम सबनेट। इसकी आईपी रेंज होगी दैट इज 1 to 127, राइट? और इसकी जो आईपी रेंज होगी 129 to 255। तो ये दो अलग अलग सबनेट रेंज हैं, तो इनके बीच में अगर आपस में बात कराना होगा आपका, क्योंकि सबनेट मास्क सजेस्ट 25 है, तो यू जस्ट नीड अ राउटर। सो आपको राउटर से ही कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, विदाउट राउटर यू कैन नॉट डू द कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू बिल्ड द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ द राउटर। सो कभी भी आपको बात करें डेडिकेटेड विद द फिजिकल पाथ ऑफ डाटा लिंक आईपी डाटा लिंक, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा समराइज करो, इसके बारे में अगर समझने की कोशिश करो, तो दे हैविंग अ मल्टीपल फंक्शंस, राइट? कि इस पर आपको दिखाता हूँ, कहीं लिखा होगा, ये मेरे पास डेटा है। सो नेटवर्क लेयर आपका जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो पैकेट्स होते हैं, इट इज गोइंग टू बेसिकली यूज द पैकेट्स विच इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द आईपी पैकेट्स, which is going to understand about the ICMP packet, IPsec, IGMP. So, जितनी भी IP related connectivity होगी, that is going to happen to the network layer. तो अगर मैं आप लोग से इन तीन layer के बारे में पूछता हूँ, तो क्या आप लोगों को पता रहेगा? What is the physical layer? What is the data link layer? What is the network layer? क्या आप लोगों को पता है तीनों layer के बारे में? क्योंकि बहुत important है आप लोगों को जानना। Physical layer, simple connecting the physical cable. जो भी आप दो डिवाइस के बीच में केबल कनेक्ट करते हो, पीसी ए टू पीसी बी, जो केबल होता है दैट इज अ वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, ये आपका फिजिकल लेयर हो गया। इन दोनों के बीच बीच के पीसी पे जो आपका काम कम्युनिकेशन होता है बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका बेस्ड ऑन द इथरनेट केबल के थ्रू होता है, या स्विच के थ्रू होता है, या ब्रिज के थ्रू होता है, वो सारे आपका डेटा लिंक लेवल पे काम करते हैं। वीलेंस होते हैं, वो सारे डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है? तो डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है? आपका स्विच काम करता है। क्या कम्युनिकेट हो सकता है? मैक एड्रेस बेस्ड कम्युनिकेशन हो सकता है। फ्रेम जो होती है दैट इज अ मैक एड्रेस, ठीक है, और इस पे वीलेंस भी कम्युनिकेट करते हैं, उसी को मैक को समझते हैं। फिर तीसरी आती है डिवाइस, होती है नेटवर्क लेयर। वो क्यों आती है? क्योंकि आपको अगर दो सबनेट में कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू नीड द नेटवर्क डिवाइस दैट अंडरस्टैंड द आईपी, ठीक है? तो अभी मैं अपनी लैब में जाता हूँ अगेन। अगर इस लैब में जाता हूं मैं, सो जस्ट गिव मी वन, सो लेट मी टेक एनी डिवाइस, जैसे कोई एक राउटर ले लेता हूं, ठीक है? तो अगर मुझे अब
अगर मुझे अब इस डिवाइस से, पहले मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन दो डिवाइसेस पे अगर बात करना है, एक विलन वन में आपका है, ये विलन टू में है आपका, और ये वाला जो आपका है विलन वन में सारे पीसी हैं, तो ये बात नहीं कर पा रहे थे। तब इनको बात करना है तो हमें एक ऐसा डिवाइस लेना पड़ेगा जो विलन्स को और सबनेट को समझता है। देखो इसका सबनेट 11 का है, इसका 10 का है, ये अलग अलग सबनेट्स हैं, दे कैन नॉट टॉक। तो मैं एक केबल लूंगा, इस पे कनेक्ट कर दूंगा और फिर इसके थ्रू इससे मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। कैसे होता है आप समझो। तो मैं क्या करूंगा, एक केबल यहां से लूंगा और इस पे कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, मैंने केबल को कनेक्ट कर दिया। राज, आप टू डिवाइस से कनेक्ट करते हो क्या क्लास? राज, हाँ अच्छा ऑडियो में, हाँ ऑडियो में दिक्कत आता है क्या लैपटॉप में? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, फोन पॉकेट में रहता है और चाहे कोई कॉल आ जाता है ना, क्लाइंट का कॉल आ हाँ गया, कोई बुला लिया, तो हाँ हेडफोन समझ कनेक्टेड है फोन से और गया, डेस्कटॉप पे रखा हुआ, वो सिर्फ देखने के लिए, फोन में दिखता नहीं है हाँ ठीक से, तो समझ गया समझ गया समझ गया, कोई बात नहीं। इसीलिए आधा टाइम तो रहता ही नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी अभी देखो कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है, अगर मैंने इस पे कनेक्ट किया तो द पोर्ट इज नॉट कमिंग अप, द पोर्ट इज नॉट कमिंग अप, यू कैन सी हियर द पोर्ट इज नॉट कमिंग अप। ठीक है, स्विच था वो सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जहां डिवाइस आया ये नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट है? तो एक इस पे अगर कर्जर ले आते हैं तो ये दिखा देता है, बट ये एक मिनट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है गीगाबिट इथरनेट 0/0। तो मैंने यहाँ गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे जाकर इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब क्लिक किया तो अब मुझे इस राउटर पे जाना है, और मुझे करना क्या पड़ेगा, इस राउटर पे जाकर मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब लैब करना आप लोग। सबसे पहले इस पे जाकर मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया। होस्ट नेम क्या कर दिया मैंने चेंज, इस पे मैंने होस्ट नेम जो चेंज किया उसका नाम मैंने रख दिया R1। ठीक है, इस तरीके से तो राउटर वन हो गया। यहाँ पे मैं इसका चेंज करता हूँ, R1 लिख देता हूँ, इसका जो होस्ट नेम है R1 हो गया। तो जब R1 हो गया तो सबसे पहले इस पोर्ट पे मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो क्या कॉन्फ़िगर करूंगा मैं, तो मुझे जाना पड़ेगा इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन टीम में। तो ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगरेशन में हूँ तो इनवैलिड बता रहा। तो मुझे जाना पड़ेगा इंटरफेस पे, ये इंटरफेस जो है गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ भी आप देखोगे तो दिख जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया कौन सा इंटरफेस पे कनेक्टेड है तो क्या करना, आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जाने हैं, प्रेफरेंसेस में जाने हैं, और यहाँ पे ऑल ये पोर्ट पर क्लिक कर। देखो यहाँ पे दिखा रहा है गीगाबिट 0/0, ये साफ साफ दिखा रहा है। तो चलो इस पोर्ट को हम यूज कर लेते हैं। एंड अगेन आई गो हियर, जाने के बाद मैं जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टीम में इंटरफेस गिग 0/0/0 इस पे डाला। अब मुझे करना क्या है, अब ध्यान से समझना। इस पोर्ट पे देखो, इस पोर्ट पे मुझे इस सबनेट को भी प्रोसेस कराना है और इस सबनेट को भी प्रोसेस कराना है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इस पे आईपी दे दूंगा एक किसी का, तो दूसरी आईपी मैं नहीं दे सकता हूं। अगर मैं इस पोर्ट पे ये वाला आईपी दे दूंगा तो मैं दूसरी आईपी नहीं दे सकता हूं। दूसरी आईपी दे सकता हूं, सेकेंडरी आईपी, बट जब तक प्राइमरी हमारा ऑन रहेगा सेकेंडरी आपका प्रोसेस में नहीं आएगा। तो एनी हाउ एक आईपी एट अ टाइम एक्टिव रहेगा, अगर दो आईपी हमने दे भी दिया तो भी। तो टेक्निकली आप एक आईपी ही असाइन कर सकते हो। कैसे, तो इस इंटरफेस पर आईपी देना, तो मैं इस पर जाऊंगा आईपी एड्रेस कुछ भी लिख दिया 1.1.1, और इसका सबनेट मास्क डाल दिया है, जो भी आईपी होता है उसका सबनेट मास्क इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो कभी भी राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन इन दिस वे, जो आपको प्रोबेबली इस मॉड्यूल में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ तो आपको बेसिकली कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो हम साथ बाई साथ हम बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाए कैसे होता है। अच्छा, इसमें आईपी राउट के बारे में बताया है, तो आईपी राउट तो हम बाद में पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टच इट टुडे, सो कमांड लाइन इंटरफेस, ओके ये हमने देखा था।
देखो यहाँ पे कोई भी इंटरफेस पे जाते हो, इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाया, सिर्फ होस्ट नेम डालने का दिखाया, जो हम तो सिखा ही चुका हूँ आप लोगों को। दिस इज नॉट रेलिवेंट। मैं सोच रहा हूँ आईपी वाला कहीं मिल जाए। लैन कॉन्फ़िगर बेसिक स्विच मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगर स्विच इंटरफेस। लिमिट, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, इसमें इसमें बताया ही नहीं है बेसिकली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बेसिकली इंटरफेस पे जो आईपी देना है, तो आप कोई भी आईपी ऐसे दोगे तो ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ओके करिए, देखो आईपी ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे जाके सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाता हूँ कि मेरे इंटरफेस पे क्या आईपी है, पहले देखो कोई आईपी नहीं था यहाँ पे, बट मैंने जैसे ही 0.0.0 पे आईपी दी, तो आईपी अब यहाँ पे दिखने लगेगी। देखो कैसे दिखेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चला दिया, तो देखो पहले जो इंटरफेस पे आईपी नहीं था, अब इस इंटरफेस पे आपने एक आईपी दे दिया, मतलब ये इंटरफेस को आपने एक नेटवर्क में असाइन कर दिया। दिस इज द मीनिंग टू डिफाइन द आईपी एड्रेस, कि आपने बेसिकली बॉस कि दिस इज योर आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस जो मैंने दिया है, ये मेरे लिए अनरेलीवेंट है, इसका कोई यूज नहीं है। हमें तो इस आईपी के बारे में बात करनी है ना, और इस आईपी के बारे में बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस आईपी को हटा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए यूजलेस है। सो मैं फिर से गया यहाँ पे इंटरफेस पे गया, दोबारा मैंने नो आईपी एड्रेस, और ये आईपी हटाने के लिए आईपी आपको नो लिखना पड़ता है, और ये वाला कमांड जाके ऐसे चला दो, तो आईपी जो डाला है वो हट जाता है। ठीक है, तो आईपी डालने के लिए कमांड क्या होती है, टू एड आईपी ऑन द इंटरफेस। मैं एक एक चीज आप लोग लेता हूँ क्या होता है यहाँ पे, देखो टू एड आईपी ऑन द इंटरफेस आपको ये कमांड चलानी है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से, इसी लैब में रख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे रहता हूँ इंटर वीलैन राउटिंग। ठीक है, सो इस इंटर वीलैन राउटिंग के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताता हूँ जो आप लोग हाउ टू ऐड आईपी एड्रेस ऑन इंटरफेस ऑफ राउटर। ठीक है, ये इसकी कमांड ये होती है, देखो कि आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है और उस पर आईपी डाल देना है। इस तरीके से आप आईपी ऐड कर सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, अगर रिमूव करना है आईपी एड्रेस तो कैसे रिमूव करेंगे, तो इसका मैं दूसरा डालता हूँ, हाउ टू रिमूव। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए फॉर इंटरफेस राउटर। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए कमांड क्या आपका ये है, इस तरह से जाओ और आप इस ये कमांड चला दो। ठीक है, तो ये कमांड से आप राउटर पे आईपी ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द आईपी एड्रेस। आई थिंक क्लियर। अब बात आती है कि बेसिकली आपकी इंटर विलेन राउटिंग कैसे होगी। तो मैंने बताया है कि आप किसी इंटरफेस पे आप एक ही आईपी दे सकते हो, तो मुझे नहीं देना। अब मैं इसको आईपी हटा दिया, तो देखो फिर से ये आईपी अब यहाँ से हट जाएगा। अगर दोबारा कमांड चलाओगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये सब कमांड लिख लो, मैं जो चला रहा हूँ वेरिफिकेशन कमांड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपका देखो जो आईपी मैंने दिया था यहाँ से, एक आईपी मेरी रिमूव हो गई। सो नाउ द टास्क इज कि मुझे दो विलेन की आईपी को इस राउटर पे असाइन करना है। तो इन दोनों विलेन की आईपी को अगर मुझे स्विच पे असाइन करना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास केबल तो एक ही है, तो मुझे इस केबल को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इस केबल हमारे पास एक है, अब इसको ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ हाफ, 50% इधर 50% इधर। तो ये केबल को अगर हम तोड़ेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक, ये यूजलेस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो फिजिकली तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फिजिकली केबल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू डिवाइड दिस केबल इन द लॉजिकल वे। सो लॉजिकल वे क्या होता है कि आपको ये जो मेन इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है गीक 0x0x0, इसी को टू पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होगा, तो आपको इसका तरीका देखो, हाउ टू डिवाइड द इंटरफेस। सो यहां पे एक आता है, हाउ टू डिवाइड
द फिजिकल इंटरफेस इंटू मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस. तो इसको अगर आपको करना है तो यू जस्ट हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट टू अचीव दिस. वी नीड टू यूज जो हमने पढ़ा था, यूज ईथरनेट डॉट वन क्यू टेक्नोलॉजी. ये डॉट वन क्यू टेक्नोलॉजी क्या होती है अभी हम देखते हैं कि ईथरनेट का जो हमारा डॉट वन क्यू टेक्नोलॉजी होता है उसको यूज करके हम इसको डिवाइड करते हैं. सो बेसिकली करना क्या है, आपको इस इंटरफेस पे जाना है जो आपको फिजिकल इंटरफेस है. सबसे पहले ये एडमिन डाउन है तो इसको आपको अप करना पड़ेगा. मतलब ये एडमिन डाउन का मतलब ये होता है कि ये वर्क में नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो सबसे पहले आपको जाकर कॉन्फ़िगरेशन में आपको इंटरफेस गिग 0x0 या पूरा आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो. अगर शॉर्ट नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी करो या ये इंटरफेस को यहाँ पे से लिख दो. आपको इस पर लिखना है नो शट डाउन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे ही आपने नो शट किया क्या हुआ आपका, ये इंटरफेस आपका अप हो गया. टू इसको लिखो हाउ टू मेक अप एनी फिजिकल इंटरफेस. मैं इसलिए आप लोगों को सारी चीज लिख के दिखा दे रहा हूं कि आप लोग को पता रहता है. आपको ये कमांड चलानी है नो शट वाली, ठीक है. ये आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा कि कैसे आप किसी फिजिकल इंटरफेस को अप कर दो. बाय डिफॉल्ट ये मैंने तो बाय डिफॉल्ट राउटर एंड स्विचेज फिजिकल इंटरफेसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन. जैसे आप यहाँ देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जैक्टली वही वर्ड, ये बाय डिफॉल्ट डाउन होते हैं. इनको कैसे अप करना है तो आपको ये कमांड चलाने हैं. तो पहला स्टेप आपने इसको नो शट कर दिया. अब जैसे ही नो शट किया देखो, अभी पहला ये कमांड था इसकी वजह से ये डाउन थे, अभी मैंने नो शट किया तो देखो अभी क्या होगा. शो मैं दोबारा चलाता हूँ, इससे बाहर आके चलाना चलो. शो कमांड हमेशा आपका इसमें चलता है प्रिविलेज मोड में, ऐसा जहां लिखाएगा तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीव. देखो आपका इंटरफेस अप आ गया. अब जैसे ही आपका इंटरफेस अप आ गया आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड इंटरफेस राइट. इंटरफेस पे जाने के बाद आपको इंटरफेस का नाम लिखना है, और इंटरफेस का नाम लिखने के बाद आप अगर क्वेश्चन मार्क मारोगे तो आपके नीचे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है. तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है नो आईपी एड्रेस. इस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं देना है. नहीं देने के बाद फिर आप आओ इससे बाहर. इससे बाहर आने के बाद लिखो इंटरफेस राइट, और इस इंटरफेस पे लिखने के बाद इसको पूरा पेस्ट करो. तो जो विलेंस है आपके पास जिसको आपको बेसिकली असाइन करना है 10 और 11, यहाँ पे .10 डाल दो आप. तो आपने एक वर्चुअल इंटरफेस बना दिया, मतलब आपने एक वर्चुअल इंटरफेस बना दिया. तो अगर मैं चलाता हूं कि पहले हमारे पास सिर्फ ये 3 इंटरफेस थे, अब मैं इस इंटरफेस को डिवाइड करके एक 10 का इंटरफेस बना दिया. इसी तरीके से अब मैंने एक और डिवाइड करता हूं और मेरा एक 11 का इंटरफेस बना दिया. तो मतलब इसी इंटरफेस पे मैंने 2 इंटरफेस बना दिया. ये जो इंटरफेस था ये मेरे पास पहले एक था, अब मैंने इसको बेसिकली 2 इंटरफेस में इसको मैंने बना दिया राइट. सो जैसे ही मैंने इसको 2 इंटरफेस में बनाया, अब हुआ क्या कि अगर मैं जाके देखता हूं, ध्यान से देखो, शो आईपी इंटरफेस. मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप लोग इसको समझ रहे हो. देखो मेरे पास अब पहले कितने इंटरफेस थे,
पहले मेरे इस राउटर पे सिर्फ एक इंटरफेस था, ये वाला। अब इसमें मैंने दो और इंटरफेस बना दिए, मतलब इस मेन फिजिकल इंटरफेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसके लिए? ये आपका एक इसके लिए और एक इसके लिए, एक 10 के लिए और एक 11 के लिए, राइट? सो नाउ आई एम गुड, सो नाउ आई एम गुड। तो अगला आपके लिए टास्क क्या है कि हाउ टू टू डिवाइड द फिजिकल इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस। तो आपको पहले ये कमांड लिखनी है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको इस तरीके से ये दोनों कमांड यूज करनी है कि आपको इंटरफेस पे जाने हैं और ये नो आईपी एड्रेस लिखना है, और फिर आपको इस तरीके से दो पार्ट में लिखना है। तो मैं यहाँ गया और जाने के बाद पहले ये कमांड चाहिए आपको, ये लिख दिया, फिर यहाँ से आप ये कमांड लिख दो, ठीक है, और यहाँ से ये हटा दो, और ये आपका ये हो गया। इस तरीके से आपका ये दो इंटरफेस आपके बन गए। तो मतलब पहला ये बना और दूसरा आपका ये बना। तो अगर मैं इसको कन्फिग में डाल के छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत, आपको पता है कि क्या है। तो ये आपका दो कमांड आपके बन गए। तो इस तरीके से आपने दो इंटरफेस को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसी पे आपको आईपी देना है, राइट? आप अपने डिवाइड कर दिया, तो जस्ट असाइन आईपी एड्रेस इंटरविलन में, राइट, टू द सब इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस, इसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस। मेन इंटरफेस ये हुआ, एंड वी कॉल्ड दिस एज ए, मैं लिखता हूं सब इंटरफेस, जिसको हमने लॉजिकली डिवाइड कर दिया, इसको भी सब इंटरफेस बोलते हैं, एंड वी कॉल्ड सब इंटरफेस फॉर विलेन 10 एंड फॉर विलेन 11, ठीक है। अब नाउ आता है टास्क, असाइन द आईपी एड्रेस ऑन सब इंटरफेसेस। तो इन इंटरफेसेस पर आईपी एड्रेस अब असाइनमेंट कैसे होगा, राइट? तो सिंपली आप वो करना क्या है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन द इंटरफेसेस और आपको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो जो पहला हमने इंटरफेस बनाया 0x0x0.0, उस पर हमें कौन सा आईपी देना है? हमें देना है 10 का आईपी एड्रेस। तो 10 के आईपी एड्रेस में मुझे बताओ कि कितनी आईपी एड्रेस होंगी इस सबनेट में, कहाँ से रेंज क्या होगा। अगर मैं देखता हूँ 10.10.0/24, तो इसकी यूजेबल आईपी एड्रेस बताओ मुझे आप लोग, यूजेबल क्या होगा, एबीएल होगा, और यूज हाउ मेनी आईपी कैन बी यूज्ड, कौन बताएगा मुझे कितनी आईपी हम यूज कर सकते हैं इसमें से, किसी को याद है? मतलब वो आईपी तो बहुत सकते कितने 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 टोटल आईपी यूजेबल? 254 नहीं 254, ओके। आप लोग सब भूल गए हो, राइट? 24 है, राइट? सबनेट मास्क क्या है, सीआईडीआर कितनी है, 24 है। चार ब्लॉक होंगे इसके, इसमें 1111 801 हो जाएगा, इसमें 1111 81 हो जाएगा, इसमें 1181 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 8+8+8 24 हो गए। तो बाकी बच गए टोटल 34 के, 0 हो गए ना सारे। तो हमने क्या बताया, जो 1 होता है दैट इज अ नेटवर्क बिट, और जो 0 होता है दैट इज अ होस्ट बिट। टू द पावर 8
टोटल होस्ट वेट 256 माइनस 2 इक्वल टू 254, यही होगा ना आईपी एड्रेस 2, क्यों? कि पहला एड्रेस आपका नेटवर्क का हो जाता है एंड लास्ट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है? सो टोटल यूजबल आईपी इज 254. सो इस 254 आईपी में से we just have to use one of the IP address which need to assign on this interface. तो हमने क्या क्या यूज कर रखा है, 1 यूज कर रखा है, 2 यूज कर रखा है, 3 यूज कर रखा है, 4 यूज कर रखा है, 5 यूज कर रखा है, 9 यूज कर रखा है, 6 यूज कर रखा है. तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो लास्ट IP address है 254 उसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि 255, तो मैं शुरू का सोर्स छोड़ देते हैं. आपकी जो IP address है it is going to start 1 2 3 4 5 6, it will go till 254, ये लास्ट आईपी एड्रेस होगा. इसको मैं एज ए गेटवे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पे डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि बाकी जो पहले के आईपी है वो हम होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं गया और इंटरफेस मेरा जो है पहले से ही बना हुआ है गीगाबिट इथरनेट 0x0. तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको ओके किया और इस पर मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 10.10.10.254 एंड 255 255 255 डॉट सबनेट मास्क क्या है 0. और ये हमारा जैसे ही मैं डाला ये बोल रहा है कि आपको इस इंटरफेस पे आप आईपी नहीं दे सकते हो जब तक आप इसको ये IEEE का 802.1Q वाला कॉन्सेप्ट और ICL विलन वाला अलाउ नहीं करते हो. तो अभी इस बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया था इससे पहले कि आपको जब यूज करना है कि फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस में डिवाइड करना है तो यू जस्ट हैव टू यूज इथरनेट 1Q टेक्नोलॉजी. जो ये साफ साफ बोल रहा है कि आप इसके बिना तो कर ही नहीं सकते हो, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो, मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, तो आपको ये यूज करना ही करना है, नहीं तो आप इसके बिना कर ही नहीं पाओगे. तो ये मैं यहाँ गया ब्रैकेट में डाल देता हूँ यहाँ पर ये वाला और ये वाला. ये दो चीजें हमारी हो गई एंड नाउ आई एम गुड. सो जब हमारे ये सारी चीजें हो गई तो अब इसको यूज कैसे करेंगे. तो इसको यूज करने के लिए आपको जो तरीका है दैट इज आप जब भी ये लिखो इंटरफेस बनाओ फिजिकल वर्चुअल तो इसके बाद लिखो इनकैप्सुलेशन, कमांड होगी इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और इस पे आपका विलेन आईडी डालना होता है जो भी आपकी विलेन आईडी है एक्चुअल. तो यहाँ पे 10 विलेन आईडी है, 10 नहीं है, 1 विलेन आईडी है, दैट इज अ 1 विलेन आईडी. हमने इंटरफेस बनाया है 10 भले ही लेकिन हमारी विलेन आईडी 1 है, ठीक है? तो मैंने 1 विलेन आईडी डालनी है, जो एक्चुअल विलेन आईडी है वो डालना पड़ा. अब मैं इसको 1 भी लिख सकता था लेकिन चलो मैं 1 और 2 कर लेता हूँ 10-11 की जगह ताकि मैं 10 और 11 से लिखा कि आपकी विलेन आईडी आपको पता रहे. तो मेरे विलेन आईडी 1 और 2 है तो मुझे 1 एंड 2 ही करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा. चलो मैं कर देता हूँ 1 एंड 2, इसको बढ़िया रहेगा, आप लोगों को समझ में कन्फ्यूजन ना हो पहले. सर अगर 10 11 है तो 1 यूज नहीं होगा क्या? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा लेकिन कन्फ्यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा. लेकिन मैं आपको सही तरीका बताना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, नहीं आगे चल के आप लोग कन्फ्यूज हो गए. इस इंटरफेस को पहले हटा देता हूँ मैं. क्या बोल रहे हैं आप, 10 विलेन कर दें? नहीं, 10 और 11 करने का मतलब क्या, वहीं तक विलेन मतलब 10 तक ही चलेगा या फिर वो लास्ट मार्क है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आपको एक्चुअली क्या होता है कि जो जो जब जब सब इंटरफेस बनाते हैं आप ना तो आपका विलेन आईडी देना पड़ता है जो आप .1Q में देते हो, तो वही विलेन आईडी जब आप बनाओ तो सब इंटरफेस का भी नाम दे दो. जबकि ये इसका कोई मतलब नहीं होता है विलेन से, कोई लेना देना नहीं होता है, बट फिर भी दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि हमें वही यूज करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो कन्फिग देखे तो उसको समझ में आ जाए कि क्या कन्फिगेशन है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नो इंटरफेस, देखते हैं कमांड ले लिया, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ No interface. ये अब देखो यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ show IP interface brief
तो मेरे इंटरफेसेस हट गए सब इंटरफेस। फिर से मैं बनाता हूँ, तो मैं इंटरफेस बनाता हूँ ये वाला, इसको डॉट वन बनाना है क्योंकि विलेन जो वन है उसको डॉट वन, सो यहाँ पे डॉट वन मैंने कर दिया। ठीक है, तो मेरा एक इंटरफेस बन गया। दूसरा क्या बनाना है, डॉट टू बनाना है, तो बन गया मेरा। अब मैं शो आई पी इंटरफेस प्रूव करता हूँ, तो मेरा ये विलेन वाले बन गए। तो मैंने डॉट वन बनाया इसलिए क्योंकि हम विलेन वन यूज कर रहे हैं इन चारों के पीछे, तो वही विलेन हम इसके नीचे मैप कर देंगे। दस हमारे थोड़ा कन्फ्यूज, दो हमने बनाया, दो विलेन यूज कर रहे हैं। दो विलेन किस सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलेन 11 को। वन किसको कर रहा है, ये मतलब सबनेट 10 को, और ये सबनेट 11 को। तो सबनेट अलग है विलेन से, उसका सिर्फ उसका लॉजिकल कनेक्शन है। तो मैं यहाँ गया फिर से और मैं यहाँ लिखा इंटरफेस, और ये वाला इंटरफेस का नाम हमारा हो गया। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस का नाम हो गया, और इस पे मैंने इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, और यहाँ पे एक्चुअल आपको विलेन कैरी डालनी पड़ेगी जिस विलेन को आपको यहाँ पे मैप करना है। तो हमें एक विलेन तो वन को करना है, दूसरे को टू करना है। तो हम वन पे हैं तो वन को वन पे लिखेंगे, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कंफ्यूजन ना हो आपको। एक डाल दिया, अब इसमें हम आईपी डालेंगे 10.10.10.254 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से आपको अब दूसरे इंटरफेस पे जाना है। कौन सा इंटरफेस है आपका दूसरा, ये है टू वाला, ये वाला इंटरफेस है जो आपको विलेन टू के लिए असाइन है। तो यहाँ पे जाइए और इस पे इसको इंटर करिए, फिर इस पे आप डालिए इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, और इस पे आपको विलेन आईडी बताना पड़ेगा ये किसके लिए आप बना रहे हो, इसकी जो लॉजिकल है इस वर्चुअल केबल पे किसका कम्युनिकेशन आएगा, तो विलेन टू का। ये डाल दिया राइट, इस पे आईपी एड्रेस आपको डालना है 11.11.11.254, लास्ट वाली आईपी ले लिया हमने इस पे 255.255.0। तो ये हमारा नोशेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, और वही कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करना है। तो आपको एग्जैक्टली ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, सागर आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ या बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आप लोग इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे रहा हूँ ना, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग खुद से ही कर लो ये सारी चीजें, ये करना जरूर आप लोग। ठीक है, ये देखो मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन बना के दे रहा हूँ, ये आप लोग इसको एज इट इज आप लोग को रन करना है। तो आपको बस ये लाइनें लिखनी है जाकर ऐसे ऐसे। तो ये आपका इंटरविलन राउटर का कॉन्फ़िगरेशन आपका रेडी हो गया। तो यहाँ पे जाकर यहाँ पे इस तरीके से आपको आईपी देनी है। ठीक है, R1 पे इस तरीके का आईपी दे दिया आपने। जब इस तरीके का आपने आईपी दे दिया तो क्या होगा, ठीक है, तो होगा क्या कि मैं काम करता हूँ, ये टोपोलॉजी डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि आप लोगों को पता रहे कि इंटरविलन राउटिंग कहाँ से हुआ है। एक टोपोलॉजी जस्ट आप लोग एग्जाम्पल के लिए रहेगा पता। साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये तो हो गया विलेन ट्रंकिंग इंटरविलेन राउटिंग। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि हमने ये कर दिया, अब मुझे बताओ कि इस पोर्ट पे आपने दो सब इंटरफेस बनाकर आपने बोल दिया कि दो प्रोसेस को विलेन करना है, लेकिन इस पोर्ट के लिए हमने कुछ किया क्या अभी तक? नहीं, नहीं किया। तो अब आप लोग बताओ, इस पोर्ट पे स्विच पे हमारे दो तरह के पोर्ट होता है, एक होता है ट्रंक पोर्ट और दूसरा होता है एक्सेस पोर्ट। तो ये किस पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन होगी इस पोर्ट पे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरा आईपी तो हमें देना नहीं है इस पे, तो कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा इस पे? ट्रंक पोर्ट का होना चाहिए, ट्रंक पोर्ट ही होगा, ट्रंक पोर्ट ही होगा। मनीता आप बताओ। आई थिंक एक्सेस पोर्ट होगा ना। सागर आप बताइए। एक्सेस पोर्ट तो एंड पोर्ट ही है। एक्सेस पोर्ट होगा। बिट्टू आप बताओ। ट्रंक पोर्ट ही होगा सर।
तो जस्ट वोट इज 2:2, ठीक है, दो लोग का ट्रंक है, दो लोग एक्सेस है. अब मुझे बताओ कि एक्सेस पोर्ट पे कितने विलेन पास कर सकते हैं, हाउ मेनी विलेन कैन पास? जस्ट वन, ओनली वन, राइट? जस्ट वन, राइट? एंड ट्रंक पोर्ट में मल्टीपल, मल्टीपल, राइट? सो अभी इस पोर्ट पे हमें कितनी विलेन की कम्युनिकेशन प्रोसेस करानी है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे? How many villains we have to process the communication? हमारे पीछे कितने villains हैं? Two. ये villain two है और villain one है, right? So two. तो कौन सा होगा? Trunk होगा या access होगा? Trunk. Trunk. Okay. Everyone clear? So we just have to make this port as a trunk. अभी जाके इस port की configuration अगर देखोगे switch के, तो ये सिर्फ एक विलन को प्रोसेस कर रहा होगा, एक ही विलन को, ये एक्सेस पोर्ट का कैटेगरी होगा. देखो दिखाता हूं अभी आप लोग, देखो ध्यान से कैसे. सो इफ आई एम गोइंग हियर एंड अगर मैं चलाता हूं यहां पे शो विलन ब्रीफ, देखो ये पोर्ट नंबर FA0/6 है. अभी FA0/6 अगर आप लोग देख रहे हो तो ये कैसे कॉन्फ़िगर, अच्छा कल हमने कॉन्फ़िगर किया था इसलिए दिखा रहा है 2 में. कल हमने किया था केवल, हां डी में विलन 2 में दिखा रहा है क्योंकि हमने कल किया था ना, इसी लैब पे यूज कर लिया था इसलिए दिखा रहा है. दैट इज नॉट करेक्ट. तो हमें करना क्या है, पहले इस पोर्ट पे जाना है. एक मिनट, पहले इस पोर्ट पे हमें फास्ट इथरनेट जो हमारे पास 0/6 पोर्ट है, इस पोर्ट को हमें इसको विलन से हटाना है, नॉर्मल करना है. इसको किसी पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन हटानी है तो उसके लिए कमांड होती है, ये कमांड यूज करना आपको. देखो डिफॉल्ट इंटरफेस ये वाले, इससे सारी कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी. अब देखो अगर मैं शो रन कमांड चलाता हूँ तो 0/6 पोर्ट से हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हट गई, ये सिर्फ एक्सेस पोर्ट में चला गया. तो अगर इसको भी एक्सेस पोर्ट से भी हटाना है तो आपको बेसिकली जाना पड़ेगा इस पर और यहाँ पे आपको no switchboard mode access. तो अभी हट नहीं रहा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये बेसिकली हमारा, इसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो चलो इस पोर्ट का हमें ट्रंक बनाना है. तो ट्रंक पोर्ट बनाने का हमने रूल जानते हैं, ट्रंक पोर्ट हम जब बनाते हैं तो रूल क्या होता है, ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए आपको स्विच के पोर्ट पे जाकर उसको बोलना पड़ता है कि तुम ट्रंक हो. यहाँ मैंने लिख रखा है सारा कुछ कि यू आर द ट्रंक, और जो विलेन आपको अलाउ करना है उसको आपको लिख के बताना पड़ेगा. तो इसी तरीके से हमें जाकर अपने स्विच के इस पोर्ट पे, 6 नंबर पोर्ट पे जाकर हमें लिखना पड़ेगा, हे स्विच इंटरफेस क्या है जिसको हमें ट्रंक बनाना है. द इंटरफेस इज FA0/6, राइट? और हमें इसको ट्रंक बनाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. जैसे ही मैंने इसको बोला ये समझ गया कि अब मैं ट्रंक हूं, देखो. और ये कुछ एम्बर कलर भी चेंज कर लिया अपने आप को. और इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है कौन सा विलेन पास करना था. स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, कौन कौन सा विलेन, 1 and 2. सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच पोर्ट. This is your configuration of switch port. तो आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से configuration बनानी है और आपको ये basically 2 line का ही configuration है, आपको switch पे जाकर ये configuration करना है, right? So मैं यहाँ गया, ये आपका router configuration हो गया and this is the switch. स्विच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपका स्विच का है. बस इतना कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, दैट इज अ इंटर विलन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन. आपका काम हो गया, कुछ नहीं करना आपको. दिस इज द कंप्लीट ऑफ लैब. आपको इतना ही काम करना था, इस स्विच पे जाके इसको ट्रंक बना देना था. ट्रंक इसलिए क्योंकि इसको आपको विलन को प्रोसेस करना था. कन्फिग आप जो करो उसको राइट करना होता है. कन्फिग करना हो तो उसके लिए कमांड होती है राइट मेमोरी, ताकि जो कॉन्फ़िग किया हो डिलीट ना हो, ना तो राउटर डिलीट हो जाएगा तो कॉन्फ़िग आपके डिलीट हो जाएंगे. तो आप हमेशा जाके राइट मेमोरी पे क्लिक कर दो.
ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसके बाद अब हमारे टेस्टिंग की बात आती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इस तरीके से आपको आईपी असाइन हो गई। आप लोग देखो कितने अच्छे से आईपी असाइन हो गया, और आपके जो पोर्ट्स थे पहले स्विच पे, द पोर्ट इफ यू सी हियर सो विलन ब्रीफ, ये आपके पोर्ट विलन टू में, एक आपका पोर्ट ये हो गया जो विलन टू में है, सिर्फ एक ही पोर्ट है, और सिक्स नंबर पोर्ट इसमें से गायब ही हो गया। कहीं सिक्स नंबर पोर्ट दिख नहीं रहा आपको, देख रहे हो किसी विलन में दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पर सिक्स नंबर पोर्ट, दैट इज समथिंग नॉट लुकिंग गुड। सो इसका कमांड होता है सो इंटरफेस ट्रंक, जब ये चलाओगे तो दिखाएगा कि आपका कौन से विलन को पास कर रहा है ट्रंकिंग। देखो वन और टू विलन को ये पास कर रहा है, छह नंबर पोर्ट आपका है यहाँ पे। तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन में। तो मैं बोला था कि आपको अगर दो डिफरेंट नेटवर्क में बात करनी है तो यू जस्ट हैव टू यूज अ राउटर, तो मैंने वो कर दिया। ये इसको बोला ये है, इसका बोला ये है, ये दोनों का संगम करा दिया यहाँ पे। तो मतलब इसका ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा, और इसका ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा, तो ये बात हो जाना चाहिए। बट देखो अभी भी बात नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को समझना है, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर। देखो अभी ये दिखाता हूँ आपको, मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया लेकिन बात नहीं होगा, देखो कैसे और क्यों नहीं होगा अभी बताऊंगा। अब मैं यहां से गया और मैंने 11 को पिंग किया 11.11.11.5, देखो ये बात नहीं हो रहा है, राइट। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, हमने कर तो दिया बट क्यों नहीं हो रहा है? राउटर में ठीक से कंफर्मेशन, राउटर में आईपी कॉन्फ़िगर को पिंग हो रहा है ना, देखो ना 250, अगर मैं राउटर के आईपी पिंग करूं इसका 10.10.10.10.254, ये पिंग हो रहा है, देखो ये पिंग हो रहा है। मतलब ये पीसी राउटर के इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है यहाँ से यहाँ, और 11 वाला देखो तो भी पिंग कर पाओगा। जो बताएगा ये इसका आंसर क्यों नहीं हो रहा है, आई विल गिव अ स्पेशल सेशन फ्री, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो भी एक ट्रंक पोर्ट के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, कर तो दिया यहाँ, कर तो दिया ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ, कर तो दिया। राउटर को बताया ना जो ये दोनों पोर्ट मेरा VLAN के लिए है, और बाकी पीसी पे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया ना। पीसी पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे, पीसी पे ट्रंक बताओगे क्या पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पीसी पे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट आई वांट टू नो कि क्या कॉन्फ़िगरेशन पीसी पे। सबनेट मास्क ये डाल रहा, कर लो सबनेट मास्क पड़ा हुआ है, देखो येरा सबनेट मास्क पड़ा हुआ है देखो, देखते किसका ब्रेन चलता है। सोचो थोड़ा सोचो, देखो इस पे भी सबनेट मास्क पड़ा हुआ है। क्या ऐसी चीज है यू गाइस थिंक की विच इज मिसिंग, इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होता है? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मैं CMD चला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं IP config डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो और इसको देखो क्या कुछ मिसिंग है क्या इन दोनों में। देखो इसके भी ये फील्ड हैं, चलो और हिंट देता हूँ, ये फील्ड हैं इसके भी और ये फील्ड हैं इसके भी। डिफॉल्ट गेट पे This is what I wanted to know. कि पहले हम जब आपस में ब्रदर से बात कर रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, we able to do the communication based on broadcast domain, कि हमारा एक सबनेट है उसी में हम ब्रॉडकास्ट करते थे। मतलब यहाँ से कुछ बात करना है, पैकेट यहाँ गया, ये पैकेट को फ्रेम ने स्विच ने सबको भेज दिया, भाई जिस तुम्हारे पास है तुम रिप्लाई कर दो, क्योंकि सेम ब्रॉडकास्ट सेम विलन में थे, विलन वन में। लेकिन अब क्या हो गया कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हैं, तो अगर दो ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपको बात करनी है तो यू जस्ट हैव टू यूज द गेटवे। बिना गेटवे के आप बात ही नहीं कर सकते हैं दो नेटवर्क के बीच में। तो गेटवे वो एड्रेस होता है जो आपके राउटर के इंटरफेसिस पे कन्फिगर्ड होते हैं। यहाँ पे क्या कन्फिगर्ड किया हमने, 10.10.10.254 और यहाँ पे 11.11.11.254। तो इन पीसीज में जाकर हमें गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा।
सो हाउ आई कैन डिफाइन द गेटवे, देखो यहाँ पे गया और गेटवे मैंने डाल दिया 10.10.10.254, ये एड्रेस कहाँ का है, राउटर के इंटरफेस का एड्रेस है। फिर इसका क्या होगा गेटवे, इस पे आपका 11 का गेटवे होगा जो लास्ट में 254 होगा। तो इन सारे पीसीज पे जाकर आपको गेटवे चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सारे पीसी दूसरे नेटवर्क से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे जाने के बाद 254 मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे जाने के बाद किसी पे भी और डाल देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन 254। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई है। अब देखो मैजिक, मैं इस पीसी पे जाता हूँ कमांड टर्मिनल, फिर से मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन चलाता हूँ। देखो अब इसके अंदर गेटवे है, अब ये गेटवे ऑलरेडी पिंग कर पा रहा है। कभी भी ट्रबल शूटिंग करो, पहले आप ये देखो कि आप गेटवे तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। जब तक आप गेटवे पे नहीं पहुंच पाओगे, दूसरे नेटवर्क में पहुंचना भूल जाओ, आपका गेटवे पिंग होना चाहिए पहले। तो मेरा गेटवे पिंग हो रहा है, मतलब मेरा पैकेट अब यहां से यहां तक पहुंच रहा है, पहले भी पहुंच रहा था, लेकिन इसके पास ये गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर आपके इसमें सेम आईपी डाल रहे थे सबनेट का जो इसके पास कॉन्फ़िगर है, तो ब्रॉडकास्ट करके भेज दे रहा था, लेकिन अगर दूसरे राउटर पे अगर जाना है राइट, तो इसके पास राउट प्रिंट एक कमांड होती है, राउट प्रिंट। तो अच्छा इसमें एक साथ चलती है क्या, पता नहीं कुछ होती है राउट प्रिंट कमांड चल गए, या प्रिंट राउट होता है, ऐसे कुछ होता है प्रिंट राउट, ठीक है लिमिट। सो इसके राउटिंग टेबल में दूसरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं था। तब कोई भी अगर पीसी है, अगर इस पीसी पे जाकर आप पैकेट आप करते हो, पैकेट बनाते हो, तो इसके अंदर आपको एक सोर्स एड्रेस लिखना पड़ता है, एक आपको डेस्टिनेशन आईपी लिखना पड़ता है। तो सोर्स आईपी क्या होगा, जो खुद का उसका आईपी होता है उसको सोर्स आईपी बोलते हैं। तो ये सोर्स आईपी हो गया। अब आपको जाना कहाँ है, आपको जाना यहाँ पे है। तो ये 11.11 आपका ये डेस्टिनेशन आईपी होगा। जब आप एक नेटवर्क से, तो ये नेटवर्क आपका एक हो गया, नेटवर्क आपका ए हो गया, और ये नेटवर्क आपका बी हो गया। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको राउटर चाहिए होगा, जो आपका हमारे सिनेरियो में है। लेकिन एक दूसरा पैकेट हो सकता है कि आपका सोर्स आईपी जो है और डेस्टिनेशन आईपी है, वो दोनों एक ही नेटवर्क में हो सकते हैं। कैसे, जैसे सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी भी आपका अपने 10.10.10.254, इन दोनों का सबनेट सेम है, नेटवर्क ए का आपका सोर्स भी है, नेटवर्क ए का भी आपका डेस्टिनेशन भी है। तो उस केस में आपको सिंपल ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रॉडकास्ट कर देना है पैकेट को, और जिसके पास होगा वो अपना रिप्लाई कर देगा, राउटर की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए यहां से आप जब कम्युनिकेशन कर रहे थे इस एड्रेस को, तो यहां तक तो पहुंच रहा था, बट वो ब्रॉडकास्ट टेक्निक के थ्रू पहुंच रहा था, वो राउटर उससे कुछ हेल्प नहीं कर रहा था। लेकिन आपको दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं अब यहां पे गया, और जाने के बाद अब देखो ध्यान से, जो पहले पिंग नहीं हो रहा था, क्या पिंग नहीं हो रहा था, यहां से बैठ के मैं 11 को पिंग कर रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं करूंगा तो देखो अब हो गया। देखो आप लोग खुद देखो, मतलब अब ये जो भाई हैं, ये इसके ऐसे जा रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये ऐसे बात करते थे आपस में स्विच के थ्रू, अभी भी ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन अगर इनसे बात करना है तो ये यहां से निकलेंगे और यहां जाएंगे, फिर बात करेंगे। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि कैसे जा रहा है, तो इसका एक कमांड होता है ट्री सर्ट। आप जाओ इस पे जो आईपी पे जाना है वो जाओ, और आपको ये बता देगा पाथ कहाँ से जा रहा है। देखो पहले के पैकेट आपका कहाँ गया, पहले पैकेट गया इस होप पे, ये होप कहाँ कन्वे, यहाँ से निकला और यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होकर यहाँ गया, देख रहे हो, क्योंकि ये पहला होप है, दैट इज कन्फिगर्ड ऑन द राउटर। लेट मी शो यू हियर, तो आपके राउटर पे ये आपका गया, देखो ये इंटरफेस है, राउटर पे गया। सिमिलर अगर मैं इस पीसी से इनको पिंग करता हूँ, देखो अभी 11 पे गया, और 11 पे जाने के बाद अगर मैं 10 को पिंग करता हूँ, किसी भी 10 वाली आईपी को पिंग करता हूँ 1 को, देखो पिंग होने लगा, 2 को पिंग करूंगा तो भी होगा, 2 भी पिंग हो जाएगा, 2 में मैंने आईपी लगता नहीं दिया, 3 देख लेता हूँ, 3 भी नहीं दिया, 4 का भी दिया है क्या, अरे इनको आईपी नहीं दिया है क्या मैंने, लेट मी चेक, इस पे आईपी नहीं है क्या, ओहो इस पे 4 आईपी दे दिया, ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी। सो
आईपी कॉन्फिग, अरे आईपी आ गया ना इस पे, कुछ कॉन्फिग हो रहा है क्या आईपी का? 10.10.10.2, अच्छा ये आईपी कॉन्फिग ही हो रहा है कहीं कहीं हो रहा है इस पे, कोई बात नहीं, मैं कोई एक बार देख लेता हूँ कहाँ ये यूज हो रहा है। 3 है यहाँ तक, तो दिक्कत नहीं है। 4 पे 10.10.10.4 255.255.0, ठीक है ये हो गया। सो अब देखते हैं दोबारा, ठीक है ये 4 हो गया, इसका डिफॉल्ट गेटवे हो गया, ठीक है। अब मैं 2 पे जाता हूँ, 2 पे देने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, 2 भी अब ले लेगा, ले लिया आई थिंक, इनफैक्ट ले लिया, मैं जब देखता हूँ आईपी कॉन्फिग इसने भी ले लिया, ठीक है। तो अब मैं 11 पे जाता हूँ, 11 से अगर 2 को 4 को पिंग कर रहा हूँ, 4 पिंग मेरा होने लगा, देखो 2 को पिंग करता हूँ 2 भी मेरा पिंग होने लगा। अगर मैं इसको ट्रेस आउट करता हूँ, ट्रेस आउट, ठीक है, 10.10.10.1, देखो आपका यहां से पैकेट निकला और यहां से ऐसे आ गया। सो दिस इज हाउ इंटरविलन राउटिंग इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। तो ये पूरा इंटरविलन राउटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो। दूसरा एक नाम इसका यूज होता है, राउटर ऑन स्टिक, इसको हम बोलते हैं इंटरविलन राउटिंग और राउटर ऑन स्टिक। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटरविलन राउटिंग एंड राउटर ऑन स्टिक, तो आपको ये कहानी पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन इसमें कि क्या so, मैंने किया क्या नहीं किया? हाँ हाँ बताइए। वो हेलो मैं 10 का और 11 का दोनों का गेटवे डिफरेंट होता है? हाँ हाँ दोनों का अलग है ना गेटवे। देखो ये गेटवे देखो यहाँ पे, देखो 10 का जो नेटवर्क है उसका गेटवे ये वाला है विलन वन वाला, 11 का गेटवे है ये आपका 11 का है। तो इस केबल को हमने दो पार्ट में केबल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस पे हमने गेटवे डाला 11 के लिए और इस पे डाला 10 के लिए, ये दोनों पहुंचे राउटर के पास। राउटर बोला अच्छा, ये आया लेकर अपना रिक्वेस्ट कि बॉस मुझे ना इससे बात करनी है। तो बोलेगा ठीक है तुम इस केबल के थ्रू अब जाओ ऊपर वाला। फिर अब ये आएगा बोलेगा कि मुझे इससे बात करनी है, तो इसको नीचे वाले से भेज देगा। समझ रही है? वो विलन तीसरा होता तो वो गेटवे थर्ड भी होता। हाँ अगर अगर कोई दूसरा तीसरा विलन होता आपको, सो आपको यहाँ पे एक और इंटरफेस बनाना पड़ता इंटरफेस, और ये इंटरफेस जितने आप विलन है उतने इंटरफेस बना सकते हो यहाँ पे जाकर .3, ठीक है। और इस पे आईपी एड्रेस सपोज करो 12.12.12.254 डालोगे तो ये तीसरा गेटवे आपका हो जाता है, तीसरे पे। इससे अलग अलग इसमें सॉरी इनकैप्सुलेशन पर डालना पड़ेगा .1Q3 और ये। तो देखो ये थर्ड गेटवे आपका रेडी हो गया। तो अगर मैं कोई यहाँ पे अलग कोई भाई लगा देता हूँ, कोई अलग पीसी लगा देता हूँ जो विलन 3 का पार्ट हो, तो उसका गेटवे अब ये तीसरा हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसको बात करना है तो पहले यहाँ आएगा, फिर राउटर इसको इसको ऊपर भेज देगा, इससे बात करना है तो यहाँ आएगा, राउटर इसको यहाँ से भेज देगा, दूसरे से भेज देगा। फिर यहाँ से अगर कोई आता है बोलता है मुझे यहाँ बात करना है, तो अपने पकड़ के यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। क्लियर मनीता? जी सर। सागर व्हाट अबाउट यू? कंफ्यूजिंग थोड़ा आई नो इट इज कंफ्यूजिंग। मुझे पता है कि जो बिगनर होते हैं, देखो सीसीएनए पढ़ाना सबसे टफेस्ट जॉब होता है क्योंकि ट्रेनर को सब पता होता है लेकिन सामने वालों को कुछ नहीं पता होता है, राइट। सो मुझे पता है कि इट इज वेरी चैलेंजिंग टू पुट द टेक्नोलॉजी इन योर ब्रेन, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी तभी समझ में आती है जब इसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, इसके बारे में आपको रात में सपने आने लगेंगे, ड्रीम आने लगेंगे, तब समझ जाओ कि यू आर लर्निंग टेक्नोलॉजी। जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगे यू कांट लर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेनर इज जस्ट गाइड यू, गिव यू द राइट डायरेक्शन, बट यू जस्ट हैव टू डू योर ऑल हार्ड वर्क्स। आपको लैब्स करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं एक एक लाइन आप लोग को लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग को मतलब अगर भूल भी जाओ यू जस्ट रेफर इट कि हम क्या कर रहे हैं, राइट।
हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट रहेगा, तो एटलीस्ट आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक हम इंटरविलियन राउटिंग ये सारी चीजें हमने अभी समझ लिया, विल डू द मोर स्टडी टुमारो, हम ये देखेंगे कि अगर इन दोनों को नेटवर्क को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, ठीक है, हाउ वी कैन ऐड, सपोज हाँ बताइए क्वेश्चन। जो पैकेट वो 10 का है ना, उससे वो 11 और 12 में भेजते है, तो हमें गेटवे वो असाइन करना पड़ता है कि नहीं? कहाँ पे, पीसी के अंदर? सपोज वी हैव लाइक 3 विलेंस, ठीक है, एक विलेन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वो 10 से वो थर्ड विलेन में भेजना है, ठीक है, पैकेट, तो हमें गेटवे असाइन करना पड़ेगा जब पैकेज भेजते हैं? आपको हर एक पीसी पे गेटवे असाइन करना पड़ेगा, जो सबनेट का जो पीसी है उसका जो आईपी राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे वही गेटवे होगा उसका, वो जो भी आईपी आप डालोगे उस सबनेट का वो गेटवे बन जाएगा उस पीसी के लिए। जैसे इसको आपने 12 का आईपी दे दिया, 12.12.12.12/24, ठीक है, तो इसका गेटवे जो आपने यहाँ पे आईपी डाला दैट इज गोइंग टू बी गेटवे, 254 डाला तो 254 आपका गेटवे हो जाएगा यहाँ पे, 12.12.12.254 इज अ गेटवे। हर एक डिवाइस के अंदर गेटवे होता ही होता है, अगर आपके मेरे राउटर के मेरे डिवाइस के अंदर गेटवे ना होगा ये वाला अपने राउटर पे, तो हमारा इंटरनेट चलेगा ही नहीं चलेगा। आपको इंटरनेट पे जाने के लिए अपने गेटवे पे जाना पड़ता है राउटर के पास, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। नो वरी, कल हम इसको दोबारा Q&A सेशन लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, तो फॉर टाइम बीइंग आई एम स्टॉपिंग इट, ठीक है, एक मेरा दूसरा बैच लेना पड़ेगा, एंड विल हैव अ Q&A सेशन टुमारो, ठीक है, पहले क्वेश्चन अपना सोच लेना आप लोग एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्लास, ठीक है। कुड यू सेंड मी द नोट्स? ओके, अभी मैं अभी मैं इसी पे शेयर कर रहा, चैट पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक मिनट तो मुझे रुक जाओ, कॉपी एंड दिस इज अ चैट, इधर गया चैट, हाँ ठीक है, तो एवरीवन इन अ मीटिंग आप लोग इसको अभी ले लो, कॉपी फटाफट पेस्ट कर लो तो मैं मीटिंग बंद कर दूं। इस नोट को आप लोग नोट नेशन पे आप लोग बना लेना अपना आईडी, ये खुल जाएगा आप लोग का, ठीक है, ओके ओके।